हम कौन हैं, कहां से आए हैं और हमें किसने बनाया है, हमारे वास्तविक पूर्वज कौन थे और उनकी उत्पत्ति कहां से हुई, यानी इंसान का ओरिजिन कहां और कैसे हुआ। ये ऐसे पेचीदा सवाल हैं जिस पर पूरी दुनिया में लोग इसे दो नजरिए से देखते हैं, एक साइंटिफिक और दूसरा स्पिरिचुअल आउटलुक यानी आध्यात्मिक दृष्टिकोण। इस टॉपिक पर अक्सर एक बात खास मुद्दा बन जाती है, वो बात जुड़ी है हमारे पूर्वजों से। जी हाँ, वास्तव में हमारे पूर्वज कौन थे, इस बात पर कई सवाल खड़े हुए हैं और कई जवाब भी सामने निकल कर आए। विज्ञान के अनुसार ह्यूमन पहले बंदर थे, यानी बंदर शरीर से धीरे धीरे विकास होते हुए इंसान के रूप में बदल गए। बहुत से लोग इस थ्योरी को मानते हैं, लेकिन इंसान के विकास पर सिर्फ साइंटिफिक जवाब ही मौजूद नहीं है, बल्कि धर्म और पौराणिक ग्रंथों से भी इस मुद्दे पर जवाब मिलता है। विज्ञान और पौराणिक ग्रंथों से मिली जानकारी में हमेशा आपस में विवाद रहा है, जो एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम एक एक करके दोनों पहलुओं पर नजर डालते हैं। तो शुरू करते हैं साइंटिफिक थ्योरी ह्यूमन एवोल्यूशन से। तो गाइस, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नाम की एक किताब अब तक की बड़ी सफल किताब मानी जाती है, जिसको चार्ल्स डार्विन ने लिखा और अपने विचारों और अध्ययनों के आधार पर पूरी दुनिया के सामने स्पीशीज यानी जाति की ग्रोथ के बारे में दुनिया को जानकारी दी। हालांकि हम इस किताब को 100% सही होने की पुष्टि तो नहीं कर रहे। तो आखिर पूरा ह्यूमन एवोल्यूशन थ्योरी क्या है? चार्ल्स डार्विन ह्यूमन इतिहास के एक सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक हैं। उनके इस सिद्धांत को विज्ञान के सिद्धांत के रूप में देखा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जीवन की शुरुआत समुद्र के अंदर से हुई, यानी सबसे पहले पानी के अंदर रहने वाली प्रजातियां पैदा हुई। उसके बाद वो जीव आए जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते थे, जैसे कछुआ, केकड़ा, मेंढक, सील इत्यादि। बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव के अलावा फिर रीढ़ की हड्डी वाले जीव भी अस्तित्व में आए। धरती पर रहने वाले तरह तरह के जीवों का विकास हुआ। पूरे विकास क्रम के दौरान कई प्रजातियां आई और खत्म हो गई, तो कुछ बनी रहीं। दोस्तों, हाथों और पैरों पर चलने वाले जीवों के बाद विकास हुआ उन जीवों का जो अपने दो पैरों पर चलने वाले थे, जैसे कि इंसान। वैज्ञानिक आधार पर बंदर ही हमारे पूर्वज हैं, जो कि चार पैरों से धीरे धीरे खड़े होते हुए दो पैरों पर आ गए और सोचने समझने की शक्ति उनमें डेवलप होने लगी। इस डेवलपमेंट प्रोसेस में बंदर की पूंछ वक्त के साथ खत्म हो गई और इसे नाम दिया गया होमो सेपियंस। और ये पाए गए सबसे पहले अफ्रीका में करीब 3.5 लाख साल पहले, और यही मानव जीवन की शुरुआत हुई। वैज्ञानिक आधार पर इंसान की रीढ़ के हड्डी के अंतिम भाग पर उसके अवशेष अब भी मौजूद हैं। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के इस बात को एक अलग नजरिए से समझते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ये बात आज से करीब 3.5 अरब साल पुरानी है, जब विकास क्रम शुरू हुआ। शुरुआत हुई बैक्टीरिया से, जो सबसे पहले आया। बैक्टीरिया से अमीबा तैयार हुआ। इसके बाद छोटे मोटे पेड़ पौधों का अस्तित्व सामने आया। फिर कीड़े मकोड़े और जानवरों ने अपना आकार लेना शुरू किया। फिर 600 लाख साल पहले मैमल्स बने। इसके बाद पक्षी आए और मछली के साथ रेप्टाइल्स आए। फिर कुछ ऐसी स्पीशीज आई जो कि पानी के अंदर और बाहर रह सकती थी। फिर बारी आई प्राइमेट्स की, जो कि 70 मिलियन साल पहले बने। ये चूहे जैसे थे, जिनके साथ रेवोल्यूशन का क्रम आगे बढ़ा और फिर प्राइमेट्स से बंदर बने। 20 मिलियन ईयर्स पहले उन बंदरों से एप बने और 8 मिलियन ईयर्स पहले गोरिल्ला आए और फिर चिंपैंजी, और फिर 1 लाख साल बाद उन्होंने धीरे धीरे अपने दो पैरों पर खड़ा होना और चलना सीखा। वैज्ञानिकों ने जीव के अंदर पाए जाने वाले डीएनए पर रिसर्च करके बताया कि डीएनए के रंग रूप आकार प्रकार के बदलाव को डीएनए की मदद से देखा और पढ़ा जा सकता है। उनके अनुसार स्पीशीज की ग्रोथ जीन में आए बदलाव से नहीं, बल्कि उनके एक्टिव या इनएक्टिव होने से है। इसी के चलते किसी एक खास प्रकार के जीन को सिर्फ ह्यूमन जीन नहीं कहा जा सकता। इंसान के हर एक सेल में अप्रोक्सीमेटली 21,000 जीन होते हैं और उतने ही चूहे में भी होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नए स्पीशीज का विकास केवल एक्टिव और इनएक्टिव जीनों के बीच नए जोड़ तोड़ से हो रहा था। अब इस कहानी को एक बार जरा धार्मिक नजरिए से भी समझ लेते हैं। सभी धर्मों के पौराणिक ग्रंथों का इस पर क्या कहना है? विश्व में सबसे पुराने माने जाने वाले सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म के नाम से भी जाना जाता है, में कहा गया है, ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की और मनु व श्रद्धा को रचा। उन्हीं से सारी सृष्टि, स्पेशली मानव जाति का विकास हुआ। उसी तरह वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजियन यहूदी धर्म, लगभग 2000 साल पुराने ईसाई धर्म और लगभग 1300 साल पुराने इस्लाम धर्म में आदम और हव्वा यानी ईव को आदि पुरुष और आदि स्त्री माना जाता है। अगर इन सब को रिलेट करें तो मुस्लिम और ईसाइयों में मनु का ही नाम आदम है, जिससे आदमी शब्द बना। देखा जाए तो सभी धर्मों में कॉमन बात यह है कि डार्विन के थ्योरी से बिल्कुल विपरीत है। मतलब कोई इंसान पहले बंदर या होमो सेपियंस नहीं थे, वो सिर्फ ईश्वर द्वारा बनाया गया एक आदमी
और औरत थे, जिसे हम मनु और श्रद्धा या एडम और ईव या हवा कहते हैं, और यहीं से मानव सभ्यता का विकास हुआ, जिनसे पूरी मानव जाति का जन्म और संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का जन्म हुआ। सभी पौराणिक धर्मों की माने तो मनुष्य की रचना उसी रूप में हुई है जिस रूप में मनुष्य आज है। इसी तरह सृष्टि में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु उसी रूप में हैं जैसे ईश्वर द्वारा रचे गए हैं। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन एवोल्यूशन का प्रोसेस कभी था ही नहीं। दोस्तों, हमेशा से ही वैज्ञानिक और धार्मिक विचारधारा में एक बड़ा अंतर देखा गया है। आपने ह्यूमन एवोल्यूशन से जुड़े दोनों के अलग अलग कॉन्सेप्ट को समझा। 100% किसी पर भी भरोसा करना एक व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन इन दोनों थ्योरीज के बाद क्या आप 100% रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, जिसमें आपको साफ पता चल सके कि आखिर आपके या हमारे सबसे पहले पूर्वज कौन रहे होंगे? एग्जैक्टली नॉट राइट। ये एक पेचीदा सवाल है, क्योंकि आज के समय में किसी को भी अपने दादा दादी नाना नानी या उसके भी पहले के पीढ़ी के बारे में मुश्किल से ही पता होता है, जबकि वास्तव में ये चेन इतनी लंबी है कि इसके आखिरी छोर तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। फिर भी हम एक नए रिसर्च को आपके सामने रखते हैं, और वो है माइटोकॉन्ड्रियल ईव। आपने इसे पहले सुना भी हो सकता है या नहीं भी। दरअसल साल 1987 में हुई एक स्टडी से बात सामने निकल कर आई थी कि पूरी दुनिया में जीवित मनुष्यों की प्रजाति एक ही महिला की वंशज है। इस हिसाब से हमारे कजन दुनिया भर में कहीं भी हो सकते हैं, और ये महिला लगभग 2 लाख साल पहले अफ्रीका में रहती थी, और साइंटिस्ट ने इसी फीमेल एंसेस्टर को नाम दिया माइटोकॉन्ड्रियल ईव। इस स्टडी के अंदर रिसर्चर्स ने आज के प्रमुख सभी नस्लीय समूहों में से 147 लोगों के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को लिया। इसकी जांच करके पता चला कि आज के लोगों की वंशावली यानी लिनेज ह्यूमन फैमिली ट्री की 2 मेन ब्रांचेस में से एक में आती है। इन मेन ब्रांचेस में से एक है अफ्रीकन वंशावली। स्टडी में हैरान करने वाली बात यह निकली कि आज के समय में धरती का हर व्यक्ति एक मेन फीमेल एंसेस्टर से अपनी वंशावली लिनेज को ट्रेस कर सकता है। ह्यूमन लाइनेज की एक पूरी शाखा अफ्रीकन ओरिजिन से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, इस स्टडी के अनुसार 2 लाख साल पहले अफ्रीका में रहने वाली माइटोकॉन्ड्रियल ईव को इंसान का कॉमन एंसेस्टर माना गया है। इस हिसाब से हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लेकिन किसी भी स्टडी या थ्योरीज की प्रमाणिकता पर पूरा भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। तो दोस्तों, आप में से कौन से लोग कौन सी थ्योरीज को मानते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से नया कुछ जानने और सीखने को जरूर मिला। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी जरूर शेयर करना, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक करने के साथ साथ घंटी वाले बेल आइकन को भी जरूर दबाना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जरूर मिल जाए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।